नील्स बोर एटॉमिक मॉडल का मेन क्रेडिट क्या था? हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के जो एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रम से उनको एक्सप्लेन करना। तो इस कंसिडरेशन में हमने कल आपको नील्स बोर मॉडल की तीन पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन की थी। ओके, पहली पोस्टुलेट क्या थी? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स दैट आर कॉल्ड एनर्जी लेवल सेल्स, KLMN, एंड इन ईच गिवन ऑर्बिट द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन इज देयर, एंड दैट अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो टोल्ड ड्यू टू नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम देयर एग्जर्ट ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑल्सो ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, और वी कैन से अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ड्यू टू दिस इट कैन रिमेन स्टेबल इन द ऑर्बिट। देन आई टोल्ड यू एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व इन एनी आर्बिट्रेरी ऑर्बिट, इट कैन रिवॉल्व सम स्पेशल ऑर्बिट इन फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए फैक्टर एच अपॉन 2 पाई। एंड देन थर्ड पोस्टुलेट, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट एनी एनर्जी, सम एनर्जी वी हैव टू गिव टू द इलेक्ट्रॉन बाय अब्सॉर्बिंग दैट एनर्जी, इट विल ट्रांजिट टू इट हायर एनर्जी लेवल सपोज K2L, K2M, इट कैन गो वेयर इट विल बिकम अनस्टेबल एंड देयर लाइफ विल बी वेरी स्मॉल 10^-8 सेकेंड। सो इट विल अगेन ट्रांजिट टू इट्स ग्राउंड लेवल फ्रॉम एक्साइटेड लेवल, एंड वाइल दिस ट्रांजिशन इट विल एमिट सर्टेन टाइप्स ऑफ यू नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो उन फोटोन्स का जो बेसिकली एक पैटर्न होता है उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आज की हमारी जो क्लास है वो पूरी डिपेंड है, पूरी एक्चुअली बेस्ड है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन डिटेल एज इट इज गिवन इन योर सिलेबस। तो दैट वी स्टार्ट विद द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली सारा खेल किसका है? एनर्जी का है। तो सबसे पहले हम बोर एटॉमिक मॉडल से, सबसे पहले अपन बोर एटॉमिक मॉडल से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। टुडे वर्षा इज नॉट देयर, सबसे वर्षा पोस्टफायर इज नॉट देयर। सर शी इज नॉट इन रावतभाटा। ओके ओके एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स हैव कम आल्सो। ठीक है, आकर आंचल शर्मा इज नॉट देयर, अंचल शर्मा। तो देखो स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट, तो बोर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की पहले हम क्या निकालते हैं? एनर्जी निकालते हैं, और उसके बाद हम फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस कंसीडर एनी गिवन ऑर्बिट, इट मे बी KLMN एंड द न्यूक्लिया इज देयर एट आर रेडियस, इलेक्ट्रॉन इज देयर। नाउ स्टूडेंट, दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हैज टू टाइप्स ऑफ एनर्जी इन एनी गिवन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियाई। एनी इलेक्ट्रॉन हैज टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, द फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन हैज द वेलोसिटी एट द रेट ऑफ 10^7 m/s का ऑर्डर होता है। ड्यू टू दैट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन हैज सम काइनेटिक एनर्जी, बट एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन इज इन द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण उसकी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे डेवलप होती है। तो इट मीन्स दैट ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन विल पजेस पोटेंशियल एनर्जी, एंड ड्यू टू इट्स वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन विल पजेस द काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेट टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी वी कैन से, एक्चुअली वी आर कैलकुलेटिंग द मैकेनिकल एनर्जी, सो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, आई अंडरस्टूड दैट। सो what we can write here, total energy of electron, total energy of electron in Bohr orbit can be written as E total, T for total,
दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई ऑन द इलेक्ट्रॉन. नाउ काइनेटिक एनर्जी का वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला वी कैन हैव हाफ एम वी स्क्वायर. देन वी कैन राइट बाय फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल सॉरी तो बाय फर्स्ट पॉस्टुलेट वी कैन राइट एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू K Z E square upon R, isn't it? Understood that? भाई यहाँ पे R आता है, यहाँ पे R square आता, तो मैंने वो R पहले ही cancel कर दिया, तो I think you can understand, हाँ? M V square upon R, यहाँ पे R square आता, तो वो R हटा के मैंने पहले R कर दिया, तो now I can replace M V square by K Z E square upon R. So that kinetic energy of electron will be K Z E square upon 2 R. Okay? This is equation number we can say 1 बाई टू तो पहले से था. एम वी स्क्वायर को अपन ने डायरेक्टली पुट कर दिया. देन पोटेंशियल एनर्जी वही टू सिस्टम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू बाई आर वही. अच्छा एक बात और बता दू, यदि आप ये सब फॉर्मूले ये सब डेरिवेशन अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में वही है, बस उसने क्या कर दिया एनसीईआरटी वाले ने के को लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. मतलब आपके एनसीईआरटी में यदि आप ये डेरिवेशन के फॉर्मूले देखेंगे तो वहां पे आपको एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ मिलेगा, तो उसमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. कोई जरूरी नहीं है एप्सिलॉन नॉट लिखना, हम के भी लिख सकते हैं, उसका अपना तरीका है. मतलब यदि आपको लग रहा है कि यार ये फॉर्मूले जो सर बता रहे हैं ये तो एनसीईआरटी में हमें मिल ही नहीं रहे, तो वो जरूर मिलेंगे. बस आप हमारे जो फॉर्मूले हम बता रहे हैं उनमें आप क्या कर देना, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर देना, तो आपको एज इट इज वो फॉर्मूला वहां पे मैच कर जाएगा. Got it? क्योंकि वो वहां पे उसने एप्सिलॉन नॉट के जो परमिटिविटी होती है उसके फॉर्म में वो फॉर्मूले लिखे हैं. आई थिंक इट इज क्लियर कि हमारे एनसीईआरटी के फॉर्मूले में और हम जो है आपको करा रहे हैं उसमें क्या फर्क है. लेकिन ये वाली जो अप्रोच है ज्यादा कन्वीनियंट है के वाली, उसमें हम क्या करते हैं के की डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, है ना, तो वो है ठीक है ना. इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए. नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज यू के फॉर दो चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या बताई, के के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर. सो पहला चार्ज तो क्या, पहला तो न्यूक्लियाई का चार्ज प्लस के डी और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई. आपको पता ही इलेक्ट्रोस्टेटिक में कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में अपन वैल्यू रखते हैं तो चार्ज का साइन अपन लगाते हैं और डिस्टेंस इज आर रेडियस. सो वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन आर, और यू कैन ऑल्सो राइट पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस काइनेटिक एनर्जी बाई टू. देखिए आप के जेडी स्क्वायर बाई आर यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी यू कैन राइट सॉरी पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जे डी स्क्वायर अपॉन आर. ये कंक्लूजन अपन बाद में बताएंगे कि माइनस साइन वहां पे नहीं है. अब अपन लेते हैं टोटल एनर्जी. वी कैन राइट टोटल एनर्जी एज जैसा मैंने बताया क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पुट द वैल्यू ऑफ बोथ द एनर्जीज. दिस इज इक्वेशन नंबर टू वी कैन राइट. तो फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी के जे डी स्क्वायर अपॉन टू आर माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर 1/2 कॉमन आएगा. देन वी कैन राइट के जेड स्क्वायर अपॉन टू आर विद माइनस, माइनस आ जाएगा ना 1/2 माइनस 1 दैट इज -1/2. तो नाउ यू कैन सी दैट द टोटल एनर्जी इज माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन टू आर. तो माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन टू आर वी कैन राइट दिस ठीक है. तो माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन आर आपकी क्या हो गई, यू हो गई. तो टोटल एनर्जी क्या हो गई, यू बाई टू हो गई. मतलब कि टोटल एनर्जी में हाफ पोर्शन किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का है. माइनस के जेडी स्क्वायर बाई आर कैन बी रिप्लेस बाय यू अपॉन टू. तो टोटल एनर्जी वी कैन राइट यू बाई टू, यानी टोटल एनर्जी में जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, आधा पोटेंशियल एनर्जी का और रिमेनिंग हाफ किसका कंट्रीब्यूशन है, काइनेटिक एनर्जी का.
मतलब वी कैन से दैट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर यू नो इक्वली शेयरिंग इन द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे आप देखेंगे कि टोटल एनर्जी में क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियाई की बाउंड स्टेट में है। जब भी कंजर्वेटिव फील्ड में दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के कारण बाउंड होते हैं खुद, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। जैसे प्रोटोन इलेक्ट्रॉन, तो आप इसकी एनर्जी निकालोगे तो -Ke²R आ जाएगा, एक का चार्ज प्लस ही, एक का चार्ज माइनस ही। तो उसका माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है कि उनके बीच में म्यूचुअल एक अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो किसी भी पोटेंशियल एनर्जी में जो नेगेटिव साइन है या टोटल एनर्जी का नेगेटिव साइन है, दैट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट द नेट एनर्जी इज नेगेटिव। दैट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज इन द म्यू इन द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियाई, योर न्यूक्लियाई इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स सेंटर, सो देयर इज अ म्यूचुअल अट्रैक्शन। उस अट्रैक्शन के कारण वो इलेक्ट्रॉन क्या बाउंड स्टेट में, बाउंड स्टेट में होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए कंपेल्ड है, बाउंड है वो। उसको यदि आपको वहां से हटाना है तो यू हैव टू सप्लाई सम एक्सटर्नल एनर्जी। यदि आपको उसको उसके ऑर्बिट से रिमूव करना है तो अपने आप नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियाई ने उसको बाउंड कर रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियाई ने जितनी एनर्जी उसको बाउंड कर रहा है उतनी एनर्जी आपको बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब -Ke²Z²/2R एनर्जी से वो बंधा हुआ है, तो +Ke²Z²/2R इतनी मिनिमम एनर्जी आपको उसको या उससे ज्यादा एनर्जी आपको उसको सप्लाई करनी पड़ेगी, इसको इलेक्ट्रॉन को, देन ओनली ही विल एबल टू फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर। आई थिंक इट इज क्लियर। -Ke²Z²/R का मतलब उतनी एनर्जी से वो बाउंडेड है विद द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई, और यदि अपन इसका प्लस कर देंगे यानी +Ke²Z²/2R, तो वो हो जाएगी एक्सटर्नल एनर्जी, वो एक्सटर्नल एनर्जी हो जाएगी जो आप उसको देंगे इलेक्ट्रॉन को, सो दैट इट कैन बिकम फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियाई। So that is the important thing. I hope that you understood. If any doubt, you can ask me. So we can write here, negative sign represents that, what we represent, what we can say, negative sign represents that, negative sign represents that there, that electron is in bound state, electron is in bound state of nuclei attraction, nuclei electrostatic attraction, nuclei के electrostatic attraction के कारण इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंड स्टेट में है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज इन बाउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। अब देखो इसको अपन और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। नाउ अब अपन ने कल रेडियस ऑफ बोर मॉडल में रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट निकाली थी, याद है? कल मैंने लास्ट में जाते जाते आपको लास्ट में जब बोर मॉडल के बाद मैंने टॉपिक कराया था रेडियस ऑफ द एटम ऑर्बिट, सॉरी नॉट एटम, तो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस का एक फॉर्मूला बताया था। और मैंने भी बताया था कि हालांकि दिस फॉर्मूला इज इन नॉट इन और फॉर दिस ईयर, ड्यू दिस इज इन रिलेटेड टॉपिक, बट दिस फॉर्मूला विल बी यूज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ यू कैन सी दैट नाउ वी हैव टू, दिस इज अवर फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट अस इट इज ए। नाउ हियर वी विल पुट द वैल्यू ऑफ आर दैट वी यस्टरडे आई टोल्ड यू इन द लास्ट ऑफ द क्लास, बहुत लंबा सा फॉर्मूला था ना वो। तो रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट वी कैन राइट, व्हाट वी कैन राइट, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट दैट वी कैन राइट कितनी होती है, आर इक्वल्स टू, एंड बट देखिए आई आई एम राइटिंग राइट और नॉट, 4π²MkZ²। क्या यही बताया था क्या, यदि आपको याद है तो बताइए, और यू कैन चेक आल्सो इफ इट इज करेक्ट, यू जस्ट टेल मी कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी इज देयर इट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है ना? तो इट इज करेक्ट, यस। तो मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट इट इज करेक्ट। तो N²H² / 4π²MkZ², यस दिव्या नागर,
दिव्या नागर ने अप्रूव कर दिया है, तो नाउ वी कैन गो अहेड, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड, दिवांशी आल्सो सेइंग लाइक दैट। एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जे डी स्क्वायर। हालांकि ये एक्चुअली लर्न करना आप वैसे डायरेक्ट निकाल सकते हो एग्जाम में, मैंने तरीका बता दिया था कल उनको, वैल्यू रख के वेलोसिटी की याद हो जाए तो अच्छी बात है। एनर्जी वाले फॉर्मूले में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, यदि रेडियस का ये वाला फॉर्मूला आपको याद हो जाए देन इट विल बी बेटर, अदरवाइज यू हैव टू इमीडिएटली फाइंड आउट ओके बाय द पोस्टुलेट्स ऑफ नील्स बोर। ओके सो दैट इज, अब इसमें नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, -1/2 K जे डी स्क्वायर। नाउ यू सी ये था -K J D² / 2 R, ये दिख रहा है सबको -K J D² ये रहा 2B, ये रहा अभी R, R का वैल्यू देखो डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 4 पाई स्क्वायर M K J D² आपका न्यूमिनेटर में आ जाएगा और अपॉन N² H² आई थिंक इट इज क्लियर एवरीबडी। मैंने रेडियस का वैल्यू रखा बट वो न्यूमिनेटर में है रेडियस, तो इसलिए वो न्यूमिनेटर ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा, इट इज वेरी सिंपल आंसर। नाउ टोटल एनर्जी विल बी -2 पाई स्क्वायर M, देखो K का स्क्वायर हो गया, जेड का स्क्वायर हो गया, E का स्क्वायर पहले A का E का पावर 4 हो गया अपॉन N² H² आई थिंक इट इज क्लियर है ना, चेक कर लो आप इस एक बार। -2 2 जा 4 कैंसिल, 2 पाई स्क्वायर ये रहा M K और K² जेड जेड Z² E² E² E4 अपॉन N² ओके इट इज करेक्ट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कंप्लीट फॉर्मूला आ गया रेडियस, दिस इज इक्वेशन नंबर B। रेडियस की वैल्यू डालते ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का नेट फॉर्मूला आ गया, ठीक है, दिस इज द नेट फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रॉन एनर्जी। ओके एवरीबॉडी, नाउ नाउ यहां पे देखो आपका एक तो जेड और एक एन, दीज टू आर वेरिएबल्स, ये चेंज हो सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, जेड और एन अलग अलग हो सकते हैं, एन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है एक एलिमेंट के लिए, फॉर द सेम एलिमेंट द वैल्यू ऑफ एन मे बी डिफरेंट। ओके सो एंड अदर देन दीज टू वी कैन सी दैट ऑल द वैल्यूज आर कॉन्स्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड एच प्रैंक कॉन्स्टेंट, सो एक्सेप्ट जेड एंड एन वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स एंड वी कैन गेट ए शॉर्टर फॉर्मूला एंड इजी फॉर्मूला फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाउ आई कैन राइट पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट की वैल्यूज डालने पर व्हाट वी कैन राइट, -E -2 पाई स्क्वायर M E4, ये सब हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं H² और इंटू Z² N² जब आप यहां पे वैल्यूज पुट करके सोल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन मास इलेक्ट्रॉन चार्ज और प्लैंक कांस्टेंट, ये वैल्यू रख के आप जब सोल्व करेंगे, मैंने K नहीं लिखा शायद एक गड़बड़ हो गई, K² E4 नाउ आई थिंक इट इज करेक्ट, K² स्किप हो गया था, K² भी आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट का स्क्वायर देन E4 यस और Z² / N² ये है ही, तो ये आपका होगा तकरीबन -2.18 × 10⁻¹⁸ Z² / N² और यूनिट क्या हो जाएगा जूल, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ जूल, क्योंकि यहाँ पे आप मास का वैल्यू किलोग्राम में रखेंगे, के का वैल्यू भी आप ऐसा ही में रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर बताया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलाम और एच भी आप ऐसा यूनिट में रखेंगे, तो एनर्जी की भी कौन सी यूनिट मिलेगी आपको, ऐसा यूनिट ही मिलेगी, तो दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब हम एटॉमिक लेवल पे आते हैं, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे आते हैं अपन, तो एनर्जी की यूनिट अपन यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअली यदि कोई एनर्जी बहुत ही कम है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी कितनी है, 10⁻¹⁸, नाउ यू कैन सी माइनस पावर इज वेरी वेरी टेंस टू जीरो, तो इसीलिए कोई एनर्जी जूल में यदि बहुत कम मिल रही है तो जूल में रिप्रेजेंट करना उसको सिग्निफिकेंट नहीं है,
तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि भाई एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे एनर्जी की हमें वैल्यू बहुत कम मिल रही है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कन्वीनियंट यूनिट बनाई, दैट इज कॉल्ड ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आई थिंक ऑल मस्ट बी यू नो फेमिलियर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज द अनादर यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज द अनादर यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज यूज टू डिस्क्राइब द वेरी स्मॉल एनर्जी ऑफ एटोमिक एंड सब एटोमिक पार्टिकल्स। ठीक है, एटोमिक और सब एटोमिक पार्टिकल्स की जो बहुत कम एनर्जी होती है। बोर्ड आउट ऑफ रेंज कैसे हो गया? ऊपर से नहीं, वो ऊपर वाला तो थोड़ा सा नीचे चला गया होगा। ओके, वी विल सी। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। अब ऊपर वाला भी देखो, हो गया क्लियर? देखो तो सही है ना, वो थोड़ा सा कैमरा सेट करना पड़ता है ना। ये प्रॉब्लम तो क्लास में बैठते टाइम भी आती थी ना, कि आगे वाले बच्चे जब देते, पीछे वाले बच्चे बोलते थे कि सर ये नीचे लिख दिया आपने, थोड़ा ऊपर लिखो। देखो ऑनलाइन में भी वही प्रॉब्लम आ रही है, मतलब देयर आर सम सिमिलर प्रॉब्लम्स आर देयर इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्स, ऑफलाइन स्टडी है ना। ठीक है, अच्छी बात है। तो 2.18 इंटू ये आपका जूल में, तो मैं क्या बोला, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल से रिलेशन पता ही होगा आपको कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू माइनस सॉरी 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ये आपकी केमिस्ट्री में भी चलता है थोड़ा, तो आई थिंक आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता कर लो। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाउ मच जूल? 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल इज द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। क्लियर बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का वैल्यू बताया गया है 1.6 × 10⁻¹⁹। तो बताइए अब मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलना है, तो इसका मुझे डिवाइड करना चाहिए कि मल्टीप्लाई करना चाहिए? 1.6 × 10⁻¹⁹ का मुझे डिवाइड करना चाहिए। चिदेश शर्मा बोल रहा है डिवाइड करना चाहिए, चलो चिदेश की बात मान लेते हैं भैया, चिदेश की बात मान लेते हैं, क्योंकि चिदेश सही कह रहे हैं। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻¹⁹। अब ये जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, अब यहाँ पे यूनिट आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गई बात? पहले क्या था, जूल था 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल था ये, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और मैंने इसको फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया कन्वीनियंटली बनाने के लिए। तो मेरी टोटल एनर्जी आ गई माइनस, अब आता है वो जो आपको याद रहता है ना 13.6 वाला वैल्यू, अब आता है वो। तो कई बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार सर ने अभी तक वो वैल्यू तो लिखी ही नहीं, हमने तो याद कर रखी है वो। तो नाउ दिस वैल्यू कम्स, यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू डालने पर जो जूल में वैल्यू आती है वो 13.6 नहीं होती है, वो तो कुछ और होती है 2.18। एक्चुअली मैंने जो फील किया है कि बच्चे इस वैल्यू को याद नहीं रखते, बच्चे इस वैल्यू को ज्यादा याद रखते हैं ना, 13.6 वाला ज्यादा रटा हुआ होता है स्टूडेंट्स को। लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा था कि कॉन्स्टेंट ही वैल्यू पुट करने पे 13.6 नहीं आता, पहले जो वैल्यू आती है जूल में उसको कन्वर्ट करने पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 13.6 आता है। ठीक है बच्चों, तो इसको सोल्व करने पे आपको मिलेगा -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर नाउ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएच शेल। लेट अस, दिस इज इक्वेशन नंबर वी कैन सी। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, टोटल एनर्जी हो गई -13.6। और हम अब हमारा जो मेन डिस्कशन अब है, ये तो हमने जनरल एटम की बात कर ली, अब हमारा जो डिस्कशन है वो मेनली हाइड्रोजन एटम का है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए आप क्या कर देंगे, जेड की वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन एटम के लिए वी कैन से हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम वी कैन पुट अ Z इक्वल्स टू 1। तो आपका एनर्जी आ जाएगी -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इन एनी एनएच शेल, किसी भी एनएच शेल में आपका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के लिए अपन ने Z की वैल्यू 1 कर दी, एटॉमिक नंबर जो उसका होता है। अब जैसे अपन को ये पता करना हो कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, भाई एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर, तो और वो इलेक्ट्रॉन का मतलब एन की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि
यानी हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्राउंड स्टेट उसकी क्या होती है, नेचुरल स्टेट होती है। हाइड्रोजन में जो एन की वैल्यू वन वाली जो शेल है वो उसकी नेचुरल शेल होती है, वन एंड ओनली, और वी कैन से स्टेबल शेल होती है, उसी के अंदर वो रहता है क्योंकि और कोई इसके अंदर तो है नहीं। तो वी कैन से ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन से ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी के लिए एन की वैल्यू वन रख देंगे तो हमें मिल जाएगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो ये आपने एन की वैल्यू वन रख दी तो इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से बाउंड है, यानी न्यूक्लियाई की अट्रैक्शन फोर्स के कारण दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड बाय द एनर्जी ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका क्या मतलब निकला, इफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज प्रोवाइडेड एक्सटर्नली टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, इफ दिस मच एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्सटर्नली फ्रॉम आउटसाइड, देन दिस इलेक्ट्रॉन विल बिकम फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई। तब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियाई से, सॉरी न्यूक्लियाई के अट्रैक्शन से फ्री हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब और एक्सटर्नली एनर्जी देने वाला जो मैंने बताया वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब जितनी वैल्यू इसकी माइनस में उतनी वैल्यू आप इसको बाहर से दे दो तो वो कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियाई के अट्रैक्शन से फ्री हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना था। अब हम आते हैं जो नील्स बोर मॉडल का मेन अचीवमेंट है उसके ऊपर आते हैं अपन। अब पहले एनर्जी में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एनर्जी, एनीबडी एल्स, एनीबडी कैन आस्क मी। आकृति इज देयर, आकृति इज कंटिन्यूअसली कमिंग। तो आकृति, वी हैड एनी डाउट, और मेनी मोर स्टूडेंट्स आर देयर, दिव्यांशी एंड वेयर इज खुशी सुखवाल, खुशी इज देयर और नॉट, लेट मी चेक। खुशी सुखवाल इज नॉट देयर, नहीं इज देयर, इज देयर, 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 देयर. नहीं, खुशी इज देयर, खुशी इज नॉट देयर। कार्तिकेय, केतन, फिर कोमल आ गई डायरेक्ट। कार हितेंद्र के बाद कार्तिकेय, केतन, कोमल, खुशी सुखवाल पहले आती थी फिर गायब हो गई। केवल रेगुलर स्टूडेंट्स विल गेट द एडमिशन इन द गुड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस, आई एम टेलिंग यू। ओनली दोज आर वेरी सिंसियर, दोज आर सिंसियरली टेकिंग केयर ऑफ स्टडी इन दिस टाइम, पेंडेमिक टाइम, एंड दोज आर यू नो taking care of their study and those are involved sincerely attending the class and doing their work, they will get the good and they will get the admission in prestigious institutions. Okay, and those students which are showing carelessness, they will have to pay it in future. How they will have to pay it? When they will see that they are not able to get the admission in prestigious colleges, they have to manage in you know sub standard college or some low quality college they have to manage with, then they will feel that yes, at that time there was a teacher, there were many teachers, and there was especially one teacher, he used to tell come the class, join the class, study study, but we did not take care and all these things and we did not listen even, then you will feel students. That's why I tell regularly attend the class, and not only attend the class, only जो self study is very important, ठीक है ना, questions को करें, उनको revise करें, study को properly करें, then definitely you will get an advantage to get the admission in better prestigious colleges. What is your deem, that accordingly you can go. And those who are not showing the sincereness, they will have to pay one and another day. तो आज अपन बात करेंगे, अब अपन किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, अब इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन में क्या है। सपोज ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, उसमें मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नेचुरली कहां पे होगा, ये न्यूक्लियाई है जैसे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जैसे ये कोई N1 एनर्जी लेवल है, इसकी वैल्यू क्या है, वन है, और ये किसी N2 एनर्जी लेवल में एक्साइटेड एनर्जी, इसको अपन बोल देते हैं ग्राउंड एनर्जी लेवल, और
और इसको अपन क्या बोल देते हैं, एक्साइटेड एनर्जी लेवल। अब कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए N1 एनर्जी लेवल में, तो मैंने क्या बताया था, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एमिट एनी टाइप ऑफ एनर्जी। तो फिर क्या बताया था कि दिस इलेक्ट्रॉन हैज टू बी प्रोवाइडेड सम एक्सटर्नल एनर्जी। इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और उससे फिर वो कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड एनर्जी लेवल में। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, एक्साइटेड एनर्जी लेवल में चला गया। लेकिन यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन गया तो वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल हो गया तो विद इन द इंटरवल ऑफ 10^-8 सेकेंड इट विल अगेन ट्रांजिट विद इन द इंटरवल ऑफ 10^ और यहां से फिर क्या होगा आपका, वो आपकी क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। फिर क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन, जब वापिस 10^-8 सेकेंड के इंटरवल में वो अपनी एक्साइटेड एनर्जी लेवल से, देखो एरो, देखो एरो, पहले इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट N1 में था, अपन उसको बाद में 1 भी लिख सकते हैं, पहले अपन N1 ले ले रहे हैं जनरल, उसको इधर से हमें एनर्जी दी अपन ने, और वो ट्रांजिट कर गया एक्साइटेड एनर्जी लेवल, अनस्टेबल हो गया N2 में। लेकिन वहां पे उसका टाइम इंटरवल बहुत कम होने के कारण विद इन द इंटरवल ऑफ 10^-8 सेकेंड इट अगेन केम बैक टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, एंड इन दिस प्रोसेस इट रिलीज सम एनर्जी। और यही एनर्जी का जो पैटर्न होता है, इसी एनर्जी का जो पैटर्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम हमें क्या दिखता है, लाइंस के फॉर्म में दिखता है, यानी हमें क्या दिखती है, कुछ लाइंस दिखती है और उन लाइंस के बीच में हमें क्या दिखता है, गैप दिखता है। यानी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता है, आपने केमिस्ट्री में भी यही पढ़ा होगा आई होप, कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता है। कैसा स्पेक्ट्रम होता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है बच्चों, सो दैट यू ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। सो ओके, बिफोर आई फर्दर प्रोसीड द फॉर्मूला, आई कैन नाउ आई थिंक दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे इज प्रेजेंट एंड आई कैन टेक द स्नैपशॉट फॉर योर अटेंडेंस पर्पस, एंड सो दैट योर अटेंडेंस कैन बी मार्क्ड, देयर विल बी एब्सेंट मार्क फॉर वर्षा इन द फर्स्ट टाइम इन द सेशन, हर एब्सेंट विल बी मार्क्ड। चलो ठीक है, उससे क्या मेन बात है, स्टडी करना, स्टडी आप करते रहिए। तो दैट इज सो स्टूडेंट्स नाउ, तो सबसे पहले हमें क्या लिखते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट क्या मान लेते हैं अपन, N1, तो ये हो जाएगा E1 -2π² अपन वो लिख रहे हैं, बड़ा वाला फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान रखना -2π² m² और हाइड्रोजन के लिए Z1 हो गया तो E4 अपॉन N1² H² क्या यही आएगा ना। अरे अभी भी एनर्जी का जो बड़ा वाला फॉर्मूला कांस्टेंट रखने से पहले वाला, वो वाला पुट किया है, डोंट गेट कंफ्यूज, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अभी हमने जो कांस्टेंट वैल्यू पुट रखने से पहले वाला फॉर्मूले में, और यहाँ जेड की वैल्यू 1 हो गई है क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है अब केवल, आई थिंक इट इज करेक्ट, MK²Z²E4 था तो Z1 हो गया तो E4 आ गया बस। अब वो चला गया एक्साइटेड एनर्जी लेवल में, तो वी कैन राइट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड, और अपन ये मान लेते हैं कि एक्साइटेड स्टेट उसकी N2 है, तो एक्साइटेड स्टेट में उसकी एनर्जी E2 अपन मान लेते हैं, दैट इज -2π² mk²E4 अपॉन N2² बस एक ही फर्क आएगा यहाँ पे, N1 की जगह N2 हो जाएगा, बाकी एज इट इज है। अब वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो बोर की थर्ड पोस्टुलेट से अपन क्या लिख सकते हैं, बाय द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर, बाय द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर वी कैन राइट E2 - E1 = h𝛎। यही तो बताया था कि भाई एक्साइटेड एनर्जी लेवल से वो ग्राउंड एनर्जी लेवल में आएगा तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा डिफरेंस। तो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ E2 एंड E1 -2π² mk²E4 अपॉन N2² H² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस तो यहाँ लग रहा है E1 में पहले ही, तो
और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2π² m k² E4 / n1² h² = h, न्यू को लिख देते हैं c/λ, न्यू को क्या लिख दिया अपन ने c/λ। ओके आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट रिगार्डिंग दिस। नाउ यू कैन टेक द कॉमन, तो hc/λ वी कैन राइट 2π² m k² E4 / h² वी कैन टेक कॉमन, एंड वी कैन नाउ राइट n1² - n2² और दिस इज 1/λ = 2π² m k² E4 / दी एच से जब नीचे आएगा तो ये h³c बन जाएगा 1/n1² - n2² और स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया, वेवलेंथ का मतलब जो वो रेडिएशन एमिट करेगा उन रेडिएशन में जो डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंस होगा वो किसके आधार पे करेंगे, उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पे करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा उनका, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी तो भी वेवलेंथ आ गई, इसको एक बताया गया वेव नंबर बोलते हैं, दिस 1/λ इज कॉल्ड एज द वेव नंबर और इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार। ओके हाँ, रिडबर्ग आ गया, रिडबर्ग ये वाला चीज रिडबर्ग है, 2π² m k² E4 / h³c। यहाँ पे आप देख लो हर चीज कांस्टेंट है, नो नो वेरिएबल इज कमिंग हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2π² m k² E4 / h³c दिस इज कॉल्ड आर, दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। और स्टूडेंट यहाँ पे आपकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे देखो एम के ई एच और सी, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3×10⁸ m/s, तो आपका रिडबर्ग कांस्टेंट मिलेगा लगभग 1.07 × 10⁷, और रिडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट देखो, ये तो डायमेंशन लेस हो गया, एन वन एन टू डायमेंशन लेस है नंबर ऑफ शेल, तो इसका यूनिट वही होगा जो लैम्डा 1/λ, यानी कि इसका यूनिट होगा मीटर इनवर्स। हिडबर्ग कांस्टेंट यूनिट क्या होगा, मीटर इनवर्स। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, मीटर इनवर्स, यस। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास वेव नंबर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एनर्जी लेवल से कोई ग्राउंड लेवल में आएगा तो 1/λ, और इसी को अपन बोलते हैं वेव नंबर, कुछ भी लिख दो, दैट इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कॉन्स्टेंट × 1/n1² - 1/n2². तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, और इस फॉर्मूले से अपन अब क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एनालिसिस करते हैं। नाउ वी कैन एनालिसिस द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्या कर सकते हैं, अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एन1 एन2 की कुछ पॉसिबल वैल्यूज हैं, उन पॉसिबल वैल्यूज के बेसिस पे नाउ वी कैन गिव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो सबसे पहले लाइमेन बामर और पाश्चन सीरीज बताई गई थी। अब यहाँ पे एन1 और एन2 की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उसके बेसिस पर कई पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं स्पेक्ट्रम की। मैंने क्या बताया आपको कि एनर्जी रेडिएशन को डिफरेंशिएट किस आधार पे करेंगे, उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पे, इसीलिए इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमारा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आ रहा है। मतलब हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल में आ रहा है तो जो रेडिएशंस वो एमिट कर रहा है उन रेडिएशंस का क्या, वेवलेंथ का ये फॉर्मूला है। और ये यहाँ पे अपन N1 N2 की अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज लेके देखते हैं कि इन इन रेडिएशंस, इन इन वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग रेडिएशंस यहाँ पे हमें ऑब्टेन होते हैं। तो अभी मैं फटाफट से एक दो चीज बता देता हूँ आपको, बाकी अब आप इसमें कर सकते हैं, आई थिंक अब तो आप खुद ही कर सकते हैं, यादें ताजा हो गई होगी, अब तो थर्ड डे ऑफ दिस चैप्टर इट इज, और अब तो 11th क्लास की यादें पूरी ताजा हो गई होगी आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब कुछ बताया गया था है। तो पहला आता है इसमें लाइमेन सीरीज, द फर्स्ट वन इज लाइमेन सीरीज। इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एनर्जी लेवल से कहाँ पे आता है, 1 में आता है, यानी एक्साइटेड एनर्जी लेवल 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आएगा कहां पे, 1 में ही आएगा। यदि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एनर्जी लेवल से 1 में आता है तो उसे बोलेंगे, तो उन रेडिएशन से जो सीरीज बन रही है उन्हें बोलेंगे लाइमेन सीरीज। तो देखिए
तो अपन लिखेंगे 1 बाई लैम्डा एल, एल फॉर लाइमेन, आर, अब देखो एन वन की वैल्यू तो फिक्स कर दी अपन ने 1, और एन टू की वैल्यू को अपन एन टू रहने देते हैं। अब यहां पे आप देख लो कि यदि अपन क्या कर दें, एन टू की जगह क्या रख दें, 2, जस्ट 2 से 1 में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा एल इक्वल्स टू आर 1 माइनस 1 बाई 4। यहां जब 2 रखोगे तो 1 बाई 4 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 4 3 बाई 4, तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई 4 आर। तो ये आपका लैम्डा एल क्या हो जाएगा, 4 बाई 3 आर। ये आपका जो लैम्डा है ये मैक्सिमम लैम्डा है, क्या है ये, मैक्सिमम, यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ की एनर्जी, वेवलेंथ का रेडिएशन क्या मिलेगा, 4 बाई 3 आर। इसका मतलब इस रेडिएशन की एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन जब जस्ट 2 से 1 में आता है तो मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम वेवलेंथ का, ये सबके लिए लागू होता है। जैसे एन की वैल्यू 2 है, एन वन 2 लेंगे अपन तो बामर सीरीज बनेगी, तो 3 से 2 में आएगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम एनर्जी, क्योंकि वही बात है, एस सी बाई लैम्डा इक्वल टू एनर्जी, तो समझ ही गए होंगे आप। तो इसी तरह से पास्चर में क्या बोलेंगे, 3 में आएगा तो 4 से 3 में आ रहा है तो मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम एनर्जी, मतलब जिस भी एन वन में आ रहा है जस्ट अगले वाले से, तो वहां पे मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी और मिनिमम एनर्जी। आई थिंक इट इज क्लियर। और इन्फिनिटी रख दें, एन टू की वैल्यू अपन इन्फिनिटी अज्यूम कर लें, तो आपका जो 1 अपॉन लैम्डा एल है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, ओनली 1 बाई 1 बाई इन्फिनिटी। ये तो 0 हो गया, तो ये आपका मिनिमम वेवलेंथ जो है ये बन जाएगा 1 बाई आर, 1 बाई आर ही बचेगा ना। देखो ये चीज इन्फिनिटी हो गई, इन्फिनिटी रखते ही 0 हो गया, सॉरी, तो 1 बाई आर। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन, यानी एन टू की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पर अपन को मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम एनर्जी का रेडिएशन मिलेंगे। यानी मैक्सिमम एनर्जी कब मिलेगी, जब इन्फिनिटी से वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। अब वो इन्फिनिटी मतलब कितने ऊपर से वो आ रहा है, मतलब जैसे आपसे बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन लाइमेन सीरीज में एक तो 2 से 1 में आ रहा है और एक 5 से 3 1 में आ रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी कब मिलेगी, ऐसे क्वेश्चन आ गए। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू 1 में आ रहा है, एक तो 2 से 1 में आ रहा है और एक 5 से 1 में आ रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी कहाँ मिलेगी, तो आप क्या बोल देंगे, 5 से 1 में आने पे, मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, यस वो 5 से 1 में आ रहा है, क्योंकि अपन ने मैक्सिमम लिमिट क्या ले ली, उसकी इन्फिनिटी ले ली। तो स्टूडेंट इसी तरह से अपन, और यहाँ पे जब अपन आर की वैल्यू डालते हैं तो जो लैम्डा की वैल्यू है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन से क्या करती है, मैच करती है, यानी अपन ये बोलते हैं कि जो लाइमेन सीरीज होती है वो लाइमेन सीरीज किससे बिलोंग करती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन से बिलोंग करती है, यानी लाइमेन सीरीज में जो रेडिएशन होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अल्ट्रा वायलेट रीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कैसे पता लगा, आर की वैल्यू डालने से, फिर लैम्डा हमने देखा सोल्व करके वो किससे मैच कर गए, ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, वहां पे हर वेव का एक वेवलेंथ का रेंज दे रखा है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू डालने पर जो वेवलेंथ का रेंज मैच कर रहा है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन के वेवलेंथ से मैच कर रहा है, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि लाइमेन सीरीज बिलोंग्स टू द अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। समझ में आ गई बात, आई थिंक लाइमेन सीरीज क्लियर सबको, कोई डाउट यू कैन आस्क इफ एनी डाउट, एक्साइटेड लेवल 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आएगा कहाँ पे, 1 में, तो लाइमेन सीरीज के रेडिएशन बनेंगे। ठीक है, वेरी गुड, तो बाकी आप लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। बामर सीरीज में क्या कर देना, एन टू की वैल्यू 2 रख देना, एन वन की वैल्यू और एन टू आपका 3 4 5, और फिर ऐसे ही सोल्व हो जाएगा, और मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ का क्लियर हो गया, जस्ट अगले वाले से ग्राउंड में आ रहा है, जैसे 3 से 2 में आएगा बामर सीरीज में, तो मैक्सिमम वेवलेंथ और एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, और इन्फिनिटी से कहीं आ रहा है तो मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी। फिर पास्चर सीरीज में N1 3 रख देना, तो फिर हम बोल देंगे पास्चर सीरीज, फिर 4 से 3 में आ रहा है तो आप बोल देंगे मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम एनर्जी, और इस तरह से, तो इसको आप कर सकते हैं, बाकी हम देख लेंगे, और 2 3 छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं स्टूडेंट, तो फॉर्मली दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट क्लास, मे बी टुमारो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फॉर्मली हम, क्योंकि अभी मैं इसको फॉर्मली खत्म नहीं कर रहा, हालांकि हम इसके एंड पे आ गए हैं, इस चैप्टर में एंड हमने पकड़ लिया है चैप्टर का, लेकिन कुछ 2 3 टॉपिक इसमें अभी बचे हैं, तो आई कैन नॉट से दैट दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड,
दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। तो तब तक आप इसके, और आज हमें आपको वर्कशीट भी देंगे, प्रैक्टिकल भी देंगे, तो आप उसको सोल्व करना, ठीक है ना। और नोट्स मैंने कल भेज दिए, उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। यस ओके, थैंक यू वेरी मच, फॉर थैंक यू फॉर द क्लास। थैंक यू सर। पहले हम रिकॉर्डिंग अपलोड, थैंक यू सर।